185 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है और निफ्टी भी करीब करीब 84 पॉइंट ऊपर है, तो ज्यादा दूर है नहीं हम अपने ऑल टाइम हाई से। इनफैक्ट उन लेवल्स तक पहुंचने और उसके आगे तेजी दिखाने की पूरी क्षमता रखता है ये मार्केट, जिस तरह का रुझान बनता दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ और ट्रेड हमारे जानकार जोड़ने वाले हैं। कमेंट्स पर एक सेल कॉल दिया मनीष ने, प्रभाकर साहब ने टिनप्लेट जोड़ा तेजी की तरफ और मानव चोपड़ा ने यहाँ पर एक, इनफैक्ट मानव चोपड़ा का ट्रेड हमने लिया ही नहीं, तो मानव से पहले वो ट्रेड ले लेते हैं। सॉरी मानव, ब्रेक ले लिया हमने। अच्छा नहीं, आईजीएल पर इन्होंने कॉल दिया, 460 और 416 का स्टॉप लॉस था, तो तेजी का ट्रेड। मानव फिर बताइए, आपने टीसीआई के जगह आईजीएल जोड़ा, कंसाई से भी एग्जिट कर लिया है, तो नया ट्रेड क्या रहेगा? जी बिल्कुल, जो मेरा नेक्स्ट पिक है वो रहेगा जीएमआर पे बाय। जीएमआर इंफ्रा अगर हम देखें तो लास्ट करीब एक से डेढ़ महीने में स्टॉक ने ऑलरेडी एक बहुत अच्छी रैली दी है, जो हाई टाइम फ्रेम चार्ट में ऑलरेडी ट्रेंड रिवर्सल कर चुका है। करीब लास्ट 10 से 15 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, एंड अगर हम लास्ट करीब एक से दो ट्रेडिंग सेशंस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन अगर हम जो मूव देख रहे हैं वहाँ से एक ब्रेकआउट के संकेत ऑलरेडी आ चुके हैं। प्राइस और वॉल्यूम के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस को ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आफ्टर एक शार्प मूव के बाद एक कंसोलिडेशन में से भी जब भी ब्रेकआउट आता है वहाँ से एक काफ़ी अच्छी अपसाइड मोमेंटम रैली आती है। सो उसके चलते जीएमआर इंफ्रा में बाय करने की सलाह रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑलरेडी स्टॉक बना चुका है 21 लेवल्स के, सो बाय ऑन डिप्स अप्रोच करके चलिए। 20.60 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड टारगेट है 24.30। ओके, तो 24.30 के लिए जीएमआर इंफ्रा अब इनके पोर्टफोलियो में जुड़ रहा है। हाई बीटा काउंटर है यहाँ पर, काफी एक्शन जब आता है तो जोश दिखाता है स्टॉक, और धीरे धीरे करके इसमें निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है पिछले डेढ़ महीने में। तो 20.60 रुपीज का आप लगाएगा स्टॉप लॉस, 24.30 का टारगेट है। मनीष आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा? आपने कमेंट्स पर एक सेल कॉल दिया, नेक्स्ट ट्रेड? जी नेक्स्ट कॉल रहेगा सेल कॉल इन कैनरा बैंक। अगर आप देखें ओवरऑल प्राइवेट बैंक में काफ़ी अच्छी बाइंग्स हमें देखने को मिल रही है, आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, बट पीएसयू बैंक्स अभी भी उसमें फॉलो थ्रू बाइंग हमें देखने को नहीं मिल रही, और मुझे लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। सो उसी फॉल में एक पीएसयू बैंक्स में हमें फॉल देखने को मिल सकता है, खासकर कैनरा बैंक में, क्योंकि कैनरा बैंक मल्टीपल रेजिस्टेंस के आसपास है, 234-237 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो कैनरा बैंक में सेल करने की राय होगी 237 के स्टॉप लॉस के साथ, और 210 तक के पोजीशनल टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कैनरा बैंक पर भी एक सेल कॉल, 210 का टारगेट और स्टॉप लॉस 237 का इस समय दिया है मनीष ने, तो दो नए मंडी के ट्रेड्स इन्होंने जोड़े जरूर है। प्रभाकर साहब ने टिनप्लेट को जोड़ा अपने पोर्टफोलियो में, अगला स्टॉक कौन सा रहेगा? सिलेक्टेड कोलगेट पामोल, स्टॉप लॉस ऑफ 1458 एंड टारगेट ऑफ 1565। दिस स्टॉक स्टार्टेड टू परफॉर्म वंस they got the market share back from Patanjali. So I think in toothpaste segment, they will be the leader and their margin expansion is a game which I think it will play out in the next few quarters. तो यहाँ पर देखिए डिमांड ट्रेंड भी तेजी का रहेगा, और जिस तरह से मार्केट शेयर बढ़ रहा है उस पर भी ध्यान दे रहे हैं प्रभाकर साहब। तो टेक्निकली 1565 और उसके आगे 1458, लेकिन इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे कमाने की पूरी क्षमता है, वो भी आप ध्यान जरूर रखें। तो अब देख लेते हैं हमारे जानकारों का पोर्टफोलियो कैसा खड़ा है और किस स्टॉक की ओर से क्या योगदान है उस पोर्टफोलियो में। मानव ने कल का दीपक नाइट्रेट बनाए रखा है, दो नए ट्रेड्स लिए, आईजीएल पर एक बाय कॉल, 460 का टारगेट, 416 का स्टॉप लॉस, जीएमआर इंफ्रा में 24.30 रुपए का टारगेट, स्टॉप लॉस 20.60 रुपए का। अब देखिए किस स्टॉक की ओर से सबसे ज्यादा योगदान, तो जीएमआर इंफ्रा तीनों में सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब आते हैं हमारे अगले पोर्टफोलियो पर, और ये देखिए प्रभाकर साहब का पोर्टफोलियो, इन्होंने फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पर एक तेजी का कॉल बरकरार रखा है कल से आज तक, नए ट्रेड में टिनप्लेट जोड़ा, 155 का टारगेट, 138.90 का स्टॉप लॉस, और कोलगेट भी तेजी का ही ट्रेड है, 1565 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1458 का। इनमें से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन टिनप्लेट का ही है, 1.5% का योगदान, और फिनोलेक्स भी देखिए 2% ऊपर, और फिनोलेक्स का भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया लॉजिक दिया था, प्रिंस पाइप्स का आईपीओ कल खुलने वाला है, तब तक स्टॉक में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा, तो इसके साथ बने रहना है। अब आते हैं मनीष के पोर्टफोलियो पर, मनीष ने कल का सेल कॉल एनएमडीसी बरकरार रखा है, आज दो और सेल कॉल दिए हैं, कैनरा बैंक पर एक शॉर्ट कॉल है, 210 का टारगेट, 237 का स्टॉप लॉस, और कमेंट्स पर भी 500 का टारगेट, 568 का स्टॉप लॉस, ये भी एक शॉर्ट ट्रेड है।
कैनरा बैंक आधे परसेंट जोड़ रहा है, कमिंस भी इनके लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित हो रहा है। एनएमडीसी पर शायद सर आपको आगे विचार करना पड़े क्योंकि ये शायद आपके पोर्टफोलियो को इस समय तो ड्रैग कर रहा है। तो देख लेते हैं कौन कहां पहुंचा है। प्रभाकर साहब लीडरशिप पोजीशन में बरकरार हैं, 2.5% तक की कमाई इन्होंने कर ली है। मनीष और मानव दोनों ही आधे आधे परसेंट के नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। तो ये फिलहाल अब तक की स्थिति है, लेकिन आगे का एक्शन जबरदस्त होगा क्योंकि मार्केट में भी भरपूर इंडिविजुअल आइडियाज आ रहे हैं। तो देखते हैं हमारे जानकारों की पोजिशनिंग कितनी बदलती है गोइंग फॉरवर्ड। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन इस खेल के लिए। चलिए अब फोकस करते हैं बाजार की चाल पर। 13 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि सीएनबीसी आवाज ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया रिटेल निवेशकों के लिए। और 13 जनवरी अगले साल यानी कि 2020 में हम अपने 15 साल पूरे कर रहे हैं आपके प्यार और आशीर्वाद के साल। जिस तरह से आवाज ने आपका साथ दिया है, हमारा सफर बिल्कुल शानदार रहा है। और इस दौरान खास बात यह है कि बाजार ने भी कमाल के रिटर्न्स दिए हैं जिससे आपकी कमाई भी डबल हुई है, इनफैक्ट डबल से ज्यादा हुई है। इन 15 सालों में बाजार कहां से कहां तक पहुंचा, सुमित ने इस पर एक डेटा शीट निकालकर तैयार की है। सुमित, हमारे लिए तो बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही है पिछले 15 सालों की, लेकिन ये बताइए उन रिटेल निवेशकों ने जिन्होंने सीएनबीसी आवाज के साथ बाजार में अपना सफर शुरू किया, उनके लिए जर्नी कैसी रही है? देखिए, बाजार की जर्नी भी बहुत ही एक्साइटिंग रही है। मतलब इस पूरे ही ड्यूरेशन में मार्केट्स के लिए नए आयाम खुलते हुए दिखाई पड़े हैं, एक अच्छा एक्सपेंशन हुआ है मार्केट्स में, और जो इन्वेस्टर अब तक मार्केट से दूर थे वो भी मार्केट में एंटर होते हुए दिखाई पड़े हैं। कुछ आंकड़े आपके सामने शेयर करते हैं, ये और आपको कन्विंसिंग आंकड़े हैं जो कि दिखाएंगे कि यहाँ किस तरह से मार्केट में एक डेप्थ आई है पिछले 15 साल के दौरान। निफ्टी करीब करीब 1809 के लेवल पे होता था जो आज 12,080 है, और इनफैक्ट ये अब नए रिकॉर्ड्स के आसपास काम काज कर रहा है। 568% का रिटर्न इस ड्यूरेशन में सिर्फ निफ्टी ने दिया, यानी कि इंडेक्स के अंदर ही इतना रिटर्न आ चुका है। सेंसेक्स भी करीब करीब 6,555 के आंकड़े के आसपास उस समय पर होता था जो कि अब 41,000 के नए लेवल्स को ब्रीच कर रहा है, नए रिकॉर्ड्स के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है। 550% का रिटर्न यहाँ पर भी आ चुका है। एक जोरदार जंप मार्केट्स में देखने को मिला है इस पूरे 15 साल के दौरान। निफ्टी बैंक जो कि करीब 3400 के लेवल पे होता था वो वहां से अब चलकर 32,000 के लेवल्स के आसपास आ चुका है, यानी कि नए रिकॉर्ड्स पे ये भी कामकाज कर रहा है, लेकिन 834% फ्रंट लाइन इंडेक्स में इस तरह का रिटर्न अगर आपको मिल रहा है किसी भी बाजार में तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं रिटेल पार्टिसिपेशन कैसा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तो रहा फ्रंट लाइन की बात, अब आते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप 2865 ये निफ्टी मिड 50 का इंडेक्स है जो कि 16,900 पहुंच चुका है, 490% का रिटर्न है। ये अभी का रिटर्न है लेकिन इसने पीक जो बनाया वो 21,800 का है, यानी उस समय के रिटर्न को अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 650% का रिटर्न पीक पे देखने को मिला था। स्मॉल कैप परफॉर्मेंस भी इसी तरह देखने को मिली है। स्मॉल कैप करीब करीब 3422 से बढ़ के 13360 यानी 290% का रिटर्न आया, लेकिन ये 290 दिख रहा है आपको, जब आप पीक पर जाएंगे तो ये 13,000 का आंकड़ा 20,000 का आंकड़ा था। तो रिटर्न भी उसी हिसाब से आप लगा लीजिए, करीब करीब 485% का रिटर्न अपने पीक्स पर जो कि इसी ड्यूरेशन में स्मॉल कैप इंडेक्स ने छुआ है। इस ड्यूरेशन में मार्केट ने ना केवल रिटर्न दिया है बल्कि जो ऑप्शंस हैं वो भी काफी बड़े हैं निवेशकों के लिए। वीकली ऑप्शंस की शुरुआत हुई 12 सितंबर 2004 को ये लॉन्च किया गया, और इसमें इसके थ्रू अब हर वीक भी जो ऑप्शन प्लेयर्स हैं उनको एक एवेन्यूज मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा कमोडिटी फ्यूचर्स को लॉन्च किया गया, एनएससी और बीएससी दोनों में लॉन्च हुए। तो 2008 में अगस्त और अक्टूबर में ये लॉन्च किया गया कमोडिटी फ्यूचर्स, तो बाजार में कमोडिटी ट्रेडिंग वालों के लिए भी एक नए एवेन्यूज खुलते हुए दिखाई पड़े। टर्नओवर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग जंप आता हुआ दिखाई पड़ा, चाहे आप नॉर्मल टर्नओवर देखें जो कि 2004 में था और अभी का टर्नओवर देखें तो आपको खुद ही अंदाजा मिल जाएगा किस तरह से टर्नओवर के अंदर एक जंप आया है। ये डेरिवेटिव मार्केट का टर्नओवर जंप है, यानी कि 10 times का यहाँ पे एक इजाफा आया है। नंबर ऑफ कंपनीज जो उस समय लिस्टेड थी यानी 2004 में वो महज 909 कंपनीज थी, जो कि आज है 1951। ये वो एक्टिव कंपनीज है जो कि ट्रेडेड मार्केट के अंदर होती हैं, तो 909 से बढ़कर ये आंकड़ा 1900 पहुंच चुका है। साथ ही साथ डेली टर्नओवर जो कैश मार्केट का है वो 4,328 करोड़ से बढ़कर 41,713 करोड़ कैश मार्केट में पहुंच गया है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह का पार्टिसिपेशन रिटेल निवेशकों की तरफ से भी आ रहा है और फंड्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट कैप, उस समय करीब 11.21 लाख करोड़ का मार्केट कैप होता था कंपनीज का, जो कि अब आपकी स्क्रीन पर है 153 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप जंप भी देखने को मिला है तमाम कंपनीज ने, तो ना केवल उन्होंने ग्रो किया बल्कि रिटेल निवेशकों ने पार्टिसिपेट किया और इंडेक्स के अंदर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ये
दमदार परफॉर्मेंस रहा है मार्केट्स का भी, जितना ही उत्साह हमने देखा है सीएनबीसी आवाज के लॉन्च से लेकर अब तक पूरी टीम में रहा है, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ने भी खूब सारी कमाई की है। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। सुमित, इनफैक्ट ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग स्निपेट्स लेकर आएंगे इस पूरे हफ्ते या फिर अगले महीने तक हमारे जन्मदिन तक, जो आपको एक अंदाजा देगा कि पिछले 15 सालों में बाजार में निवेश करके आपने भी कितनी कमाई की है। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कमोडिटी एक्शन कैसा है उस पर हमारी खास पेशकश आपके लिए लेकर आएंगे गोल्ड स्पॉट। आप बने रहिए।